हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार डिश जो कि मुगलाई डिश है, जिसका नाम होगा पनीर दो प्याजा। ठीक है, अब दो प्याजा क्यों है? ये तो टमाटर है। ठीक है, दो प्याजा का मतलब ये होता है इसमें कि आपको प्याज को जो ट्रेडिशन है इसका, इस रेसिपी का फ्रॉम द एरा ऑफ मुगल्स, प्याज को दो बार यूज किया जाता है और दो तरीके से यूज किया जाता है। एक आप पहले ग्रेवी के लिए यूज करेंगे, थोड़ी सी जो थिक ग्रेवी बनाओगे उसके लिए, दूसरे बार हम यूज करेंगे थोड़ा सा मोटा काटेंगे प्याज को, बारीक नहीं काटना, पीस करेंगे और उसको बाद में हम डालेंगे अपने पनीर के ऊपर। तो आप देख रहे हो आपका अपना चैनल हेल्दी डिशेज, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें क्योंकि ऐसी हेल्दी डिशेज आपके सामने आती रहेंगी। नोटिफिकेशन बेल को भी हिट जरूर कर लेना। ठीक है, हम अपने किचन में एज यूजुअल, तो आपको मैं दिखाऊंगा इंग्रेडिएंट्स क्या लिए हैं मैंने। मेरे पास है एक शिमला मिर्च, 100 ग्राम मैंने लिया है पनीर, ये मेरे पास है कुछ काजू जिससे हमारी ग्रेवी बनेगी थोड़ी सी रिच, ये है मेरे पास टमाटर, ये है प्याज। इस प्याज के अलावा दो प्याज मैं और काटूंगा जो कि यूज होंगे बाद में जब हम डालेंगे उसको काट के मोटा, राइट। अब इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं टमाटर। बेसिकली इसका जो ट्रेडिशन है उसमें यूज होता हुआ आया है दही, बट मैं दही बिना दही के बनाऊंगा, इसे टमाटर के साथ बनाऊंगा और हम इसे मुगलई तो नहीं बोल पाएंगे बट हम इसे बोलेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दो प्याजा। तो चल रहे हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करने वाले हैं, टमाटर को, शिमला मिर्च को और काजू को ग्राइंड करेंगे एक साथ, तो इसी की बनेगी ग्रेवी। तो ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये तीन चीजें हमारी चली गई हैं ग्राइंडर में और अब हम इसे पीसेंगे। ये हमारी टमाटो प्यूरी रेडी हो चुकी है, देखिए। तो टमाटो प्यूरी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे गैस में, पैन रखना है आपको और पैन को रख करना है गरम, और जैसे ही पैन गरम होगा तो हम इसमें डालेंगे, यूज करेंगे घी। ठीक है, तेल कम यूज करना, थोड़ा घी यूज कर लेंगे तो अच्छा फैट मिलेगा, बट दैट टू ज्यादा नहीं करना है आपको। मैं बस इसमें 2 टीस्पून घी मिला रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। देखो, जब ये डिश बनी थी मुगल्स के टाइम पे तो इसका नाम कैसे पड़ा, अकबर दो मुल्ला प्याजा, अकबर मुल्ला दो प्याजा, वो एक थे मुगल्स के टाइम पे राजा, तो उनके नाम पे ये डिश पड़ी। क्या करते थे कि ये, वो ये डिश बनाया करते थे विद लॉट्स ऑफ अनियंस इन इट। इसका जो ट्रेडिशन अगर आप पूछें तो ये है कि इसमें बहुत सारे प्याज पड़ते हैं। ठीक है, तो ये अब गर्म हो चुका है मेरा घी, इसमें डाल लेते हैं 1 टीस्पून के बराबर जीरा डाल लो, और जैसे जीरा थोड़ा चटकेगा तो हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने चॉप करके रखा है। अकबर साहब जो थे वो तो यूज करते थे दही इसमें, लेकिन हम यूज कर रहे हैं टमाटर क्योंकि हम उस तरह के नहीं है। ठीक है, बट अगर आप ऑथेंटिक आपको खाना है तो आप दही प्लीज इसमें यूज करें, तो आपको इसका ऑथेंटिक टेस्ट आएगा जो मुगल्स के टाइम पे आता था। ठीक है, तो हमारा जीरा अब देखो चटक चुका है अच्छे से, मैं डाल देता हूँ उसमें प्याज, और प्याज को करेंगे गोल्डन ब्राउन। जैसे ही प्याज आपका थोड़ा ब्राउन हो आप डालें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। देखो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है, प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब डाल देंगे इसमें टमाटो प्यूरे, टमाटो कैप्सिकम एंड कैश्यू प्यूरे। ये अच्छे से इसे मिलाओ। अब इसको चला रहे हैं हम हल्की आंच में, कम से कम पकाएंगे 5 मिनट के लिए। मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रहा हूँ, थोड़ा पानी यूज कर लेंगे ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हमारी बन सके। ठीक है, तो हमने 5 मिनट इसे पका लिया है हल्की आंच में। अब डाल देते हैं इसमें मसाले, मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रहा हूँ धनिया, चलो 1.5 कर देते हैं, 1 टीस्पून हल्दी डाल देते हैं, 1 टीस्पून गर्म मसाला एंड 1 टीस्पून फाइनली किचन किंग मसाला। और नमक हमेशा स्वाद के अनुसार कम खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसे मैं अच्छे से मिला लेता हूँ और हल्की आंच में पका रहे हैं इसे फिर से 5 मिनट के लिए, ढक के पकाएंगे। तो हमारी ग्रेवी पक रही थी तो उसके बीच में हम क्या करेंगे, पहले ग्रेवी देखेंगे और उसके साथ में हम बनाएंगे, चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, मैं बताऊंगा क्या नेक्स्ट स्टेप है, पहले देख लेते हैं ग्रेवी कैसी बनी है इसकी। ये देखिए, वाओ नाइस, राइट, रिचनेस देखिए, ऐसी रिचनेस होनी चाहिए आपके पनीर दो प्याजा की रेसिपी में बेसिकली। ये देखिए, नाइस एंड गुड, बहुत शानदार। तो बस अब चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे,
तो अब इस स्टेज पे मैं डालूंगा इसमें पनीर डाइस करके रखा है मैंने, और इसे हम मिला लेंगे। पनीर को ज्यादा पकाना नहीं है क्योंकि अगर ज्यादा पकाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, और हमें हार्ड नहीं करना पनीर, राइट। तो इसे हम हल्की आंच पे पका रहे हैं ताकि पनीर में अच्छे से थोड़े मसाले कोट हो जाए। अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हम जब प्याज के डाइसेस काटे थे, क्यूब्स काटे थे, उन्हें हल्का फ्राई करेंगे। यही दो प्याजा की एक्चुअली बात है, राइट। प्याज हमने एक बार पहले यूज किया है और हम फिर प्याज यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं, तो एक दो तीन मिनट के लिए। उसके बाद हम उसे डालेंगे अपने पनीर दो प्याजा के पैन में, फिर आपका बनेगा दो प्याजा पनीर, राइट। तो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ 2 टीस्पून घी। अब मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा जीरा अराउंड 1 टीस्पून, ये डाल के इसमें डालेंगे मोटा कटा हुआ प्याज और इसको हल्का फ्राई करेंगे। और हमने 2 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने इस पैन में लाइक दिस। तो बस इसे अच्छे से चला लो और हल्की आंच में रहने देना, ये देखिए नाइस। और 2 मिनट के बाद देखिए क्या इसकी रंग रोगन है, शानदार है ना। यहाँ पे मैं डालूंगा थोड़ी सी कसूरी मेथी जिससे इसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा, बहुत ही शानदार। और अब थोड़ा सा हरा धनिया, बेहतरीन, ये देखिए क्लोजअप देखिए कितना शानदार है, और बहुत ही शानदार है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए अब मैं इसकी प्लेटिंग करता हूँ, आपसे फिर मिलता हूँ। ओए होए होए होए, क्या बना दिया नितिन जोशी आज, कमाल है ये। तो बस यही आज की डिश थी, आपने देखी कैसी बनी, क्या स्टेप्स थे, क्या प्रोसेस थी, पनीर दो प्याजा अकबर मुल्ला दो प्याजा के नाम पे। ऐसे ही बनाए, हेल्दी बनाए, अपने घर पे ट्राई करें, मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस रहा इस डिश से, कुछ सीखा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, क्योंकि ऐसी ही हेल्दी डिश फिर से मिलने वाली बहुत जल्दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं इसे एंजॉय करता हूँ, एंड टू मीट अगेन, प्लीज कीप कुकिंग एंड बी हेल्दी।